Present Secretary of the same, Dr. Muhammad Ibrahim. Assistant professors sitting over there. Non-teaching faculty persons who have just arrived and they are acting as an eye of the participants of the basic nursing cadre. I will be helped from today up to the Indian Army ki wo isse pehle 19 mein hui aur 18 mein hui. Society ne challenge suna hoga, dekha hoga. जब ये सोचता है कि आप एक पढ़े लिखे आदमी हो तो इमीडिएट कोई क्वेश्चन नहीं है, आप ये कह के चुप कर देते हो और वो आपको अनपढ़ मान लेता है। और इसी तरीके से लाइफ के स्किल्स में अगर आप ये कहें कि मुझे सिर्फ एक ह्यूमन शरीर जो हमारी बॉडी है वो कार्य कैसे करती है, उसके अलावा अन्य बीमारियों के बारे में बताएंगे जैसे डेंगू मलेरिया टाइफाइड, इसके अलावा जो आपकी आजकल आम प्रचलन है लाइफस्टाइल बीमारियां, फास्ट फूड, सिगरेट्स, स्मोकिंग, अल्कोहल के इफेक्ट्स और ड्रग के साइड इफेक्ट्स जो कि हैं उसके बारे में हम आपको जागरूक करेंगे। इसके साथ ही हाइजीन एंड सैनिटेशन जो कि आपने कोविड के टाइम पे काफ़ी सुना देखा और पढ़ा होगा, मेंस्ट्रुअल इलनेस मेंस्ट्रुअल जो बीमारियाँ होती है उसके बारे में भी आपको जागरूक करेंगे, मेंटल डिसेबिलिटीज जैसे आजकल देखा गया है बच्चों में डिप्रेशन एंग्जाइटी काफ़ी आम बात हो गई है उसके बारे में आपको जागरूक करेंगे। इसके बाद आपको किसी भी राह चलते आपके घर में अगर किसी को चोट लग जाती है या कोई अचानक से गिर जाता है, किसी को कार्डियक अरेस्ट होता है, किसी को सांस लेने में दिक्कत होती है, उसकी जान कैसे बचाई जा सकती है इससे पहले कि हॉस्पिटल की फैसिलिटीज आपके पास आ सकें, तो जो प्राइमरी मैनेजमेंट या प्राथमिक स्वास्थ्य की जो कार्यशैली होती है वो कैसे आप करें इसके बारे में आपको बताएंगे। आज इंडियन आर्मी की तरफ से इन कोलाबोरेशन विद गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की जानिब से यहाँ पे हमारे कॉलेज में 19 जुलाई से लेकर 7 अगस्त तक एक बेसिक नर्सिंग कैडर जो है वो ऑर्गेनाइज़ किया गया है। इसमें जो भी यूथ है सोसाइटी के कोई भी यूथ इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, गूगल फॉर्म उन्होंने जनरेट किया हुआ है और नियरली अबाउट 200 जो यूथ है वो इसमें इनरोल्ड हो चुका है। और बेसिक लाइफ स्किल्स के बारे में, बेसिक स्किल जो हैं कि फर्स्ट एड हमने कैसे देना है बिफोर रीचिंग द हॉस्पिटल्स, उसके बारे में बताया जाएगा। और हमारी इंडियन आर्मी के लिए एक रिक्वेस्ट है कि ऐसे प्रोग्राम आगे फ्यूचर में भी होते रहे हमारे यहाँ यूथ के लिए और ताकि उनको अच्छा एक्सपोजर मिलता रहे। और मैं कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन का भी और आर्मी का भी दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्हें अच्छा प्रोग्राम यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया। यहाँ पे आप बता दें आपको कि एक बेसिक नर्सिंग कैडर कोर्स आर्मी की तरफ से और एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से शुरू किया गया है, जिसका मेन मकसद ये है कि ये चूँकि बॉर्डर एरिया है तो यहाँ पे हालात की देखते हुए यहाँ जो कि बच्चों के लिए ताकि बेसिक स्किल डेवलप किया जाए नर्सिंग के रिलेटेड एक्टिविटीज़ में, जैसे कहीं को दूर दराज बॉर्डर एरिया का बच्चा है उस गाँव में या उस जगह किसी को कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई ऐसी मतलब कि इन्फेक्शन डिजीज़ वायरल या कोई ऐसी बीमारी हो जाती है तो उसको ताकि बेसिक जो ट्रीटमेंट है वो वहाँ मिल सके, इसको देखते हुए यहाँ पे एक आर्मी की तरफ से एक इनिशिएटिव लिया गया कि जो बड़ा है अच्छा है। यहाँ पे हमने बॉर्डर एरिया से है चूँकि सब डिवीज़न बॉर्डर पूरा मेंटर बॉर्डर एरिया है, हमने सबको एक गूगल शीट के थ्रू कहा इन्वाइट किया था जो भी इसमें आके ये कोर्स करना चाहता है उसके लिए किया है। बेसिक कोर्स है जिससे लोगों को काफ़ी मदद मिलेगी और अवेयरनेस भी होगी। इसमें हमारा फोकस रहेगा कि जैसे आजकल ड्रग्स वगैरह है, शराब नोशी बहुत ज़्यादा है, स्मोकिंग वगैरह भी ज़्यादा है, इसको कंट्रोल करने के लिए भी लोगों को बताया जाएगा। तो इसमें हर किस्म की हम बच्चों में अवेयरनेस करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे ताकि ये नॉलेज फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे गेन फ़ायदा उठा सकें।